बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अपने परिवार में अगर आप शांति बनाए रखें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। और किसी निर्धन को धन का दान करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में आपके तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद वस्तु का दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के मध्यम रहेगा। धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, बेहतर पैसे की प्राप्ति होगी। करियर में आपके लिए सफलता के सुंदर योग भी बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होती दिख रही हैं, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके बन जाएंगे। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। दिन अच्छा है, इसका और फायदा उठाइए। भगवान शिव की अगर उपासना करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्रा के मामले में सावधानी बनाए रखें। कीमती सामान संभाल कर रखें, हो सकता है किसी बड़े की सलाह मान करके चलेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को सफेद वस्तु का दान करिए, दिन की जो मुश्किलें हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तुला राशि, प्रेम संबंधों का बहुत ध्यान रखें। इस समय नजदीकी संबंधों में थोड़ी मुश्किल दिख रही है। नौकरी की स्थिति आपकी ठीक है, वहां पर प्रमोशन की संभावनाएं दिख रही हैं और आपकी व्यस्तता भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मित्रों से इस समय आपको सहायता मिलेगी। भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, करियर में आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल इस समय दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखिएगा। करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें, क्योंकि वहां भी समस्या दिख रही है। अगर कोई पेपर साइन करना है, चेक साइन करना है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप सफेद वस्तु का दान कर दें, चावल है, चीनी है, दूध है, तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मध्यम भाग्य से नीचे, मेहनत ज्यादा, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। जीवन में नया कार्य इस समय शुरू कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। काफी ज्यादा व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में इस समय छोटे मोटे बदलाव के योग भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा।